आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशियंस के अबाउट, यानी कि महासागर क्या होता है, महासागर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा महासागर हमारा सबसे बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है और कौन सा सबसे टॉप पर है, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम टू ऑल इन योर ऑन चैनल मदर मैरी पब्लिक स्कूल। इससे पहले वीडियो में आपने जाना था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, कितने टाइप के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आपने जाना था कि कॉन्टिनेंट्स हम अर्थ के उस पार्ट को बोलते हैं जो पार्ट हमारा लैंड से कवर्ड होता है। वैसे ही जो ओशियंस है, ओशियंस का मीन्स होता है महासागर, और ओशियंस हम अर्थ के उस पार्ट को बोलते हैं जो कवर्ड हो रहता है वाटर बॉडीज से, यानी कि एक लार्ज वाटर बॉडीज से जो पार्ट कवर्ड होगा अर्थ का उसको हम बोलेंगे ओशियंस, यानी कि महासागर। हाउ मैनी ओशियंस इन द वर्ल्ड? देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये हमारे 5 ओशियन हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशियन इज़ द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशियन है वो संसार में सबसे बड़ा महासागर है। एंड आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और जो हमारा आर्कटिक ओशियन है वो हमारा संसार में सबसे छोटा महासागर है। बट आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन होने के बाद जो हमारा मैप है, मैप में वो सबसे टॉप पर है, यानी कि आर्कटिक जो ओशियन है वो हमारा मैप में सबसे टॉप पर पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे ओशियन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और वन बाय वन डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।